पाए हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं आचार्य धनंजय। वास्तु टिप्स कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जिस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा का आरंभ कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण विषय है, कांच टूटना शुभ है या अशुभ। वैदिक वास्तुशास्त्र में कांच का प्रयोग बड़ी ही संवेदनशीलता के साथ किया गया है, चाहे वो बेडरूम की बात हो, चाहे पूजा के स्थान की बात हो, रसोई घर की बात हो, निवास स्थान का कोई भी क्षेत्र हो या फिर कार्य क्षेत्र का कोई भी क्षेत्र हो, कांच को बड़े ही अलग दृष्टिकोण से देखा गया है। पहली बात कि जो दर्शकों में ये भ्रम है, कई तरह के विचार है। कुछ लोग कहते हैं कि कांच का टूटना बड़ा ही शुभ है, कुछ लोग कहते हैं कि बहुत ही अपशकुन है, बड़ा ही अशुभ है। आज हम लोग इसी भ्रम को दूर करने वाले हैं। देखिए, वैदिक प्रक्रिया में, क्योंकि इसमें दो मत है, एक पाश्चात्य मत है और एक वैदिक परंपरागत सनातन धर्म से जुड़ी प्रक्रिया का मत है। मैं तो वेदों का मानने वाला हूं, सनातन धर्म को मानने वाला हूं, और सनातन धर्म की जो परंपरा है, उसकी जो अपनी मूल धारा है, इसमें कुछ भी टूटना शुभ नहीं हो सकता। टूटना और बिखरना शुभ कैसे हो सकता है? पाश्चात्य जगत में तोड़ने को, टूटने को भी पूर्णता से जोड़ा गया, पाश्चात्य जगत में शुभता अशुभता का दृष्टिकोण अलग है। मैं बहुत सीधे सीधे स्पष्ट रूप से कहता हूं, अगर कुछ भी टूटता है तो हमारे यहां अपशकुन ही माना जाता है, वो शुभ नहीं हो सकता। कोई सूचना दिया जा रहा है प्रकृति की तरफ से, शुभता से उसका कोई संबंध नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। कहीं ना कहीं प्रकृति आपको ये सूचना दे रही है उस पदार्थ के टूट जाने से कि अब आप सतर्क हो जाइए, कोई घटना घटने वाली है। मैं आपको भयभीत नहीं कर रहा हूं, सूचनाओं से भयभीत नहीं हुआ जाता है, सूचनाओं का सदुपयोग करते हैं। और यही वजह है कि हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी दर्शकों का भ्रम दूर करते हैं और सूचनाओं पर अपना वो तर्क रखते हैं जो हमारे धर्म शास्त्र की मूल परंपरा है। हमेशा सावधानी से कांच का प्रयोग करिए, क्योंकि बड़ा ही संवेदनशील है, और जैसे टूटा हुआ कांच यदि कहीं पर लगा रहता है तब भी कई तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। कुछ लोग कहते हैं ऐसे ही रहने दो, लेकिन ये हमेशा हमेशा से कहीं से भी अगर एक हल्का सा भी क्रैक है, तुरंत उस कांच को बदलिए, तुरंत हटाइए। ये अपशकुन है, अशुभ है, अकारक है, इसको बदल ही देना ठीक है। चाहे वो आपके वाहन में प्रयोग में हो, सौंदर्य के लिए आपने घर की साज सज्जा में प्रयोग किया हो, या कार्यालय में हो, वास्तुशास्त्र पूर्ण रूप से ये बात कहता है, स्पष्ट रूप से ये बात कहता है कि टूटा हुआ कांच हमेशा अशुभता देगा, घर में कलह की स्थिति रहेगी, धन की कमी रहेगी, वैचारिक मतभेद होगा। इन सारी चीजों के छुटकारा पाने के लिए आपको पहली बात ये करनी है कि उस कांच को हटा दीजिए। बिल्कुल स्पष्ट है ये, इसमें किसी प्रकार का भ्रम रखने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, पश्चिमी जगत की अपने अपने विचारधारा हो सकती है, फेंगसुई का अपना मत हो सकता है, उससे मैं उससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं, उसमें मेरा ज्ञान भी नहीं है। बहुत सीधे सीधे सरल रूप से स्पष्ट रूप से आप सभी दर्शकों को कहता हूं, उसमें मेरी विशेषज्ञता भी नहीं है और ना मैं उससे सहमत हो पाता हूं, बिल्कुल नहीं हो पाता। वैदिक परंपरा अपने आप में पूर्ण है, सनातन धर्म की परंपरा अपने आप में पूर्ण है, और हमें आवश्यकता भी नहीं है। मैं आप सभी दर्शकों से भी कहूंगा कि सबको मिला जुला करके उपाय नहीं करिए, एक किसी परंपरा का पूर्ण रूप से पालन करिए, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। आज के वास्तु टिप्स के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।